जी तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे, ये फीमेल हॉस्टल है। बाहर से इसकी बिल्डिंग थोड़ी ओल्ड है लेकिन अंदर से गोल्ड है। चले आइए मैं आपको अंदर से इसकी बिल्डिंग विजिट करवाता हूँ। तो ये जो एरिया है ये रिसेप्शन एरिया है। जब भी किसी हमारी बच्ची ने बेटी ने यहाँ पर आना है सबसे पहले उसने यहाँ पर अपना एंटर करना है। 9 बजे के बाद यहाँ पर एंट्रेंस फीमेल्स की अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कीज है, लाइक ये 402 रूम की कीज यहाँ पर पड़ी है, आप ये देख सकते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से जब जाना है यूनिट जाना है आपने यहाँ पर की जमा करवानी है, सबमिट करवानी है। उसके बाद यहाँ से अपनी की कलेक्ट करनी है और आपने आगे जाना है। अब यहाँ पर नीचे काफी सारे रूम हैं क्योंकि मैंने आपको बताया पाकिस्तानी यहाँ से जा सकते हैं, पाकिस्तानी सप्लाईज हैं उनकी। तो ये वाटर रूम है लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, मैं उनके रूम आपको ऊपर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ, तो ये एक रूम अभी यहाँ पर अवेलेबल है। सफाई सुनी लीजिए, मैं आपको यहाँ से लाइट्स ऑन कर देते हैं, ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस रूम में आप अगर एंटर होते हैं तो ये वॉशरूम है। वॉशरूम आप देख सकते हैं ये फ्लश इनका हो गया, इसके साथ ये नहाने का यहाँ पर लाइक सेपरेट है। मैंने आपको मेल हॉस्टल में दिखाया था वहां पर पर्दा था लेकिन फीमेल में ये इस तरह से क्लोज हो जाता है। तो फुली सिक्योर सिस्टम है इसका, ठीक। नंबर सेकेंड पे यहाँ पर आप देखें अगर तो ये डाइनिंग टेबल हो गया और ये इनका किचन है। किचन के ये कैबिन, ये नीचे कैबिन सिंक और ये माइक्रोवेव ओवन और इलेक्ट्रिक चूल्हा इनका यहाँ पर लगा हुआ। उसके साथ इनको यहाँ पर फ्रिज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये इनका फ्रिज हो गया। अब मैं ये सारा यहाँ पर जो फीमेल्स का हॉस्टल है ये अपार्टमेंट टाइप है, मुकम्मल तौर पर हर किस्म की फैसिलिटी इनको यहाँ पर अवेलेबल है। बस ये ख्याल करना है कि सफाई रखनी है। अगर इसकी सफाई रखेंगे, क्योंकि ये रशियन लोग हैं, ये व्हाइट को व्हाइट कहते हैं और ऑफ व्हाइट को ऑफ व्हाइट कहते हैं, तो आपने व्हाइट को ऑफ व्हाइट नहीं करना तो ये हॉस्टल आपके पास 5 साल तक रहेगा, वरना 1 साल के बाद ये ले लेते हैं। तो ये जो देखें अभी मतलब ये कर्टन वगैरह लगे हुए, 2 लोगों का रूम है, 2 बेड हैं, मैट्रेस यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको पाकिस्तान से तकिए या पिलो वगैरह कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ये साइड टेबल्स हो गए। अब 2 लोगों के लिए ये एक कबर्ड दी हुई है इन्होंने, लेकिन इसके जो पोर्शन है वो सेपरेट है। मैं अगर मैं आपको शो करके दिखाऊं तो इस तरह से, तो फीमेल्स जो है वो इजीली यहाँ पर रह सकती है। हर रूम के अंदर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, और ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। सर्दियों में किसी किस्म की आपको जर्सी की जरूरत नहीं है, मुकम्मल तौर पर टी शर्ट के साथ आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये फीमेल का हॉस्टल है, मेल का और फीमेल का आपने दोनों का देख लिया। ये सारी गैलरी है आपको यहाँ पर, ये साथ वाला रूम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तानी तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और ये यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनका सामान वगैरह यहाँ पर अभी पैक हो रहा है। बाकी जो रूम्स हैं उनमें से चले गए हैं तो वो क्लीन हो गए हैं, तो हॉस्टल ने उनको नए स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कर दिया है। तो ये मैंने आपको रूम तो विजिट करवा दी। अब ये रिसेप्शन है, बिल्कुल ये हमारी बैक साइड पे जो है, ये यहाँ से एंट्रेंस है। इसके बिल्कुल एंट्रेंस के अपोजिट साइड पे लाइक दिस ये हो गया वॉशिंग एरिया। आपने कपड़े धोने यहाँ पर, किस तरह कपड़े धोने में आपको करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अभी जा रहे हैं तो वो जहर की बात अपने कपड़े धो रहे हैं, पैकिंग चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ये शलवार कमीज किसी बच्ची की धुल भी रहे हैं। ये जनाब फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है, आपने जस्ट इसके अंदर अपने कपड़े और सर्फ डालना, आपके कपड़े खुद ही ड्राई होकर बाहर आ जाएंगे। आपको किसी किस्म में यहाँ पर कोई बिल एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ये ऑटोमेटेड फंक्शन है। इसी तरह अगर कोई हाथ से धोना चाहता है तो उसके लिए सेपरेट यहाँ पर लॉन्ड्री भी बनी हुई है, और यहाँ पे भी कुछ पर्सनल मतलब कपड़े कपड़े हैं तो इस वजह से हम उसको कवर नहीं करेंगे। अब इसके बिल्कुल राइट साइड पे ये स्टडी रूम लाइक दिस, तो यहाँ पर जब ये सफाई करते हैं तो ये चेयर उठाकर ऊपर रख देते हैं, बच्चे आते हैं खुद ही उनको नीचे रखते हैं, फिर स्टडी करते हैं। प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आप कुछ भी स्टडी करना चाहते हैं हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। आप आए अपने रूम से और यहाँ पर आके स्टडी ईजिली कर सकते हैं। तो ये था फीमेल हॉस्टल। तो व्यूअर्स मेरा आपको यही एडवाइस है कि अगर इन फ्यूचर आप पाकिस्तान का और इस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करते हैं तो सारी वीडियोस आपके सामने, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आपको कोई किसी किस्म का इशू है आप मेरे से कंसल्ट करें और इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।